सर आपका टाइम न्यूज में स्वागत है। सर आप यहाँ से चंदौली लोकसभा सीट से शिव कन्या कुशवाहा जी लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और आप लोग जनता के बीच जाते हैं, आप लोग जनता के बीच क्या मुद्दे रखते हैं? यहाँ से सुकन्या कुशवाहा जी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की धर्मपत्नी है और जन अधिकार पार्टी के द्वारा उनको यहाँ से लड़ने के लिए टिकट मिला है। कांग्रेस और अपना दल प्रगतिशील लोहिया दल और लोक दल के समर्थन के साथ माननीय कुशवाहा जी इस मैदान में आई हुई हैं और जब हम लोग जनता के बीच में जाते हैं तो जनता सुकन्या कुशवाहा के हाथों हाथ लेती है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी की जुल्मेबाजी सरकार से उठ चुकी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, किसान भुखमरी के कगार पर है और हमारे मुख्य मुद्दे जो हैं आज हमारे जो मुखिया हैं इस कड़ी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी, उनका जो घोषणा पत्र है 72,000 गरीब परिवार के महिलाओं के खाते में जो जाएगा वो जनता को गरीब को बहुत आकर्षित करता है और जो 15 लाख रुपया मोदी जी ने देने का वादा किया था और 1 रुपया खाते में नहीं गया है उससे जनता बहुत उससे आक्रोशित है और ये मुद्दा बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे जनता हमारे साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत बुरी पोजीशन पे है, जनता से अलग हो चुकी है। अखिलेश मायावती के गठबंधन पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अखिलेश मायावती का गठबंधन ये मजबूरी का गठबंधन है, ये भारतीय जनता पार्टी के साजिश के द्वारा या कह लीजिए सीबीआई के डर के कारण, भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण ये दोनों का गठबंधन हुआ है। नहीं तो अगर ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता से बाहर करना चाहते तो ये कांग्रेस के साथ गठबंधन करते। कांग्रेस ने इनको गठबंधन के लिए आमंत्रित किया लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में थे इसलिए कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया, इसलिए जनता इसको गठबंधन को भी नकार चुकी है। आपको कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटें दी हैं, आप 8 सीटों में कितनी जीत रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने हमको 7 सीटें दी है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राज बब्बर जी और मैं, हम दोनों ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय में जो हमारी सहमति भी मानी है हमारे नेता जनकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के द्वारा जो समझौता हुआ उस समझौता के तहत प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी और मैंने प्रेस वार्ता में अपनी सभी सीटों की घोषणा की। 7 सीटें हमको मिली, 7 में से 2 सीटें हमको कांग्रेस के सिंबल पे लड़ना है और 5 सीटें हमको अपने सिंबल पे चुनाव जीत डोरी पे लड़ना है। आप जीत कितनी रहे हैं? आपको 7 सीटें दी तो हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि मैं सब जीत गया, हम तो प्रयास करते हैं सभी सीटों में अच्छी लड़ाई है मैं और जीत भी हमारी अच्छी होगी। इस समय कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, पूर्वांचल की प्रभारी प्रियंका गांधी के मैदान में आ जाने से, उनके प्रचार में कूदने से और उनका कांग्रेस का माहौल दिन रात बढ़ रहा है और आज माहौल और हवा कांग्रेस के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ धराशायी हो जाएगी, कांग्रेस का परचम लहराएगा, उसी के साथ हमारा गठबंधन है। हमारे गठबंधन की भी स्थिति बहुत अच्छी है, विशेष लोकसभा और झांसी और हमारी 2-3 सीटें बहुत मजबूत है, मछली शहर जो सुरक्षित सीट है। प्रदेश में सबसे योग्य बीएचयू के प्रोफेसर दयानंद पासवान जी चुनाव हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं और प्रदेश में उससे अच्छा सभी और उससे अच्छा कोई भी प्रत्याशी नहीं है, वो सीट भी हमारी 100% जीत रही है। आप चंदौली में जीतने के बाद गरीब जनता के लिए विद्यार्थियों के लिए क्या करेंगे? जीतने के बाद सुकन्या जी जनता के बीच में अपना स्थान बनाएंगी, मकान बनके यहीं रहेंगी और ज्यादा से ज्यादा समय ही चंदौली की जनता के बीच में देंगी। उनके पति माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो दो दो तीन तीन बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में
कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनकी कार्यशैली को पूरा प्रदेश जानता है। और जब भारतीय कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो गठबंधन के हिस्से में माननीय सुकन्या कुशवाहा जी कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र में बनेगी, और जब कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र में बनेंगे तो स्वर्गीय कमलापत त्रिपाठी के बाद इस चंदौली जनपद में कोई विकास नहीं हुआ है। सुकन्या जी इस चंदौली जनपद का चौमुखी विकास करके जनता को खुशहाल करने का काम करेंगे। सर, जो बाबू सिंह कुशवाहा जी पर दाग लगा हुआ है, क्या इससे जनता प्रभावित हो रही है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी पे चार्ज लगा है, नचारम घोटाले का चार्ज लगाया गया है, और 4 साल तक वो जेल में बंद थे। जितने भी देश और प्रदेश की जांच एजेंसियां हैं, सबने पूरी फर्जी तरीके से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को 4 साल जेल में डाल रखा, जबकि इन 4 साल के अंतराल में जितनी भी जांच एजेंसियां हैं पूरी ताकत लगाने के बाद भी एक पैसा कोई भी अवैध संपत्ति और अवैध संपदा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के यहां से कोई भी बरामद नहीं हुई। अभी तक कोई भी सीधे उन पर चार्ज नहीं लगा और चार्ज शीट भी अभी तक पूर्ण रूप से दाखिल नहीं हुई। ये देश का पहला ऐसा केस है कि बिना चार्ज शीट के और बिना चार्ज के 4 साल तक जेल में रखा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, कानून है कि जिस केस में 7 साल की सजा नहीं है, 7 साल की सजा नहीं है, उस मुलजिम को जेल में जब तक चार्ज शीट कंप्लीट न हो जाए, यानी उसका केस जुर्म साबित न हो जाए, तब तक उसको जेल में नहीं रखना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों ने माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ अन्याय अत्याचार किया और 4 साल तक जबरदस्ती जेल में डाल रखा। लेकिन जनता इस बात को अच्छी तरह जान चुकी है, जितने भी दागी हैं अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो दूध के धुले हो जाते हैं, सब वो राष्ट्र प्रेमी हो जाते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है, जनता की आवाज उठाते हैं, और जनता की आवाज उठाने वाले देशद्रोही और भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के निगाहों में नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी राष्ट्रवाद का मुद्दा लेके चल रहे हैं, आप किस चीज का मुद्दा लेके चल रहे हैं जनता के बीच? ये भी प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। राष्ट्रवाद, भारतीय जनता पार्टी वाले राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर आए। मैं तो पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वाले कि राष्ट्रवाद की परिभाषा आप जानते हो? आज तक आरएसएस के कार्यालयों में कभी भारत का तिरंगा झंडा लहराया गया है? कभी नहीं। और हमको दुहाई देते हैं, जब देश आजाद हुआ तो आरएसएस के लोग बताएं कितने लोगों ने कुर्बानी दी है इस देश को आजादी दिलाने में, जबकि कांग्रेस का इतिहास रहा बताने की जरूरत नहीं है। उनके परिवार से लेकर दादा परिवार तक इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दिया और देश की खुशहाली के लिए कुर्बानी दिया। जहां तक राष्ट्रवाद की बात है, ये बहुत बड़ा एक जुल्मा है। जब इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा, 15 लाख रुपए खाते में देंगे, गरीबी दूर करेंगे 2 करोड़ रुपए, महंगाई दूर करेंगे, ये तमाम सारे मुद्दे जब ये कुछ नहीं कर पाए बेवकूफ जनता को बनाने के बाद, इनके पास चुनाव में लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा तो राष्ट्रवाद का मुद्दा सामने लेकर आए हैं। और राष्ट्रवाद आज तक जब से देश आजाद हुआ, इनकी सरकार में जितने हमारी सेना मारी गई, हमारे देश का नुकसान हुआ, आतंकवादियों ने इतना आतंक फैलाया, ये कभी भी कांग्रेस की सरकार में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए और इस मुद्दे को उठा रहे हैं। राष्ट्रवाद, जनता भूखों मर रही है, हमारा मुद्दा राष्ट्रवाद, पहले पेट फिर पूजा, हमसे ज्यादा राष्ट्रवादी थोड़ी है। राष्ट्र हमसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब किसान खुशहाल होगा, गरीब खुशहाल होगा, नौजवान बेरोजगार पाएंगे, नौकरियां मिलेंगी और घर गरीब सभी लोग गांव परिवार के लोग खुशहाल होंगे, तब राष्ट्र खुशहाल होगा। और जब राष्ट्र खुशहाल, देश खुशहाल होगा, तब राष्ट्रवाद की बात आती है। जनता से हट करके कोई राष्ट्रवाद नहीं हो सकता।